नमस्कार, आप लोगों से कुछ मैं पुनर्जन्म के सच्चे अनुभव यहाँ शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे आसपास के लोगों के साथ घटित हुई हैं। इस विश्वास के साथ मैं अनुभव साझा कर रही हूँ कि जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, वो प्रियजन वास्तव में हमसे दूर नहीं होते और कई बार हमारे अन्य रिश्तों में वापस आ सकते हैं। बल्कि जहाँ हम रहते हैं, इस क्षेत्र के लोग तो प्रियजनों की वापसी के होने को इतनी सहजता से लेते हैं जैसे उनका पुनर्जन्म होना एक सामान्य सी बात है। शायद उनके इस विश्वास के कारण भी यहाँ पे ये इतने अनुभव पाए जाते हैं। निजता का ध्यान रखते हुए मैं इन अनुभवों में जो पात्र हैं उनके नाम बदल रही हूँ। पहला अनुभव मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे सहयोगी के रूप में एक काम करती हैं नम्रता। उनके पिता का देहांत 2019 अक्टूबर को हुआ था और उसी दिन मृत्यु के ठीक एक वर्ष बाद, जिस दिन उनका बरसी की पूजा हो रही थी, नम्रता की बुआ के बेटे के रूप में उनका फिर से जन्म हुआ। और ये इसलिए प्रामाणिक पुनर्जन्म है क्योंकि उन्होंने स्वप्न में आके अपनी बुआ की बेटी से कहा था कि मैं वापस आ रहा हूँ। और यही नहीं, उन्होंने अपने नाम को भी अपनी भतीजी को बोला कि मेरा ये नाम होगा जन्म के बाद। और जब नामकरण किया गया तो आश्चर्यजनक रूप से वही नाम निकला। और ये भी इस पुनर्जन्म के लिए एक प्रामाणिकता हम मान सकते हैं कि नम्रता का जो छोटा भाई है उसका मन कुछ दिन पहले, पिता के पुनर्जन्म के कुछ दिन पहले से अपने आप प्रसन्न रहने लगा था और इतना प्रसन्न था कि उसने पूरे घर में व्हाइट वॉश अकेली कर ली थी। तो ये आने के संकेत थे कि वो वापस आ रहे हैं। नम्रता के ही साथ जुड़ी एक और सच्चा अनुभव पुनर्जन्म का है, उसके नाना का। उसके नाना की मृत्यु हुई और वो सब उन लोग को लग रहा था कि अब जब मामा का कोई घर में संतान होगी तो शायद नाना वापस आ जाएंगे, वो इतना विश्वास था उनको। लेकिन मामा के घर में जब बच्चों का जन्म हुआ तो ऐसा कोई संकेत नहीं था कि नाना वापस आ गए हैं मामा के संतान के रूप में। पर ऐसा कुछ हुआ कि नम्रता के भाई के जब संतान हुई तो नाना जी की गुजर जाने के 4 साल बाद इनके नम्रता के भाई को संतान हुई। तो उन्होंने कहा कि जब वो बच्चा बड़ा होने लगा, कुछ बोलने लगा, तो उसने उन शब्दों को दोहराया जो उसके उसे सीखे नहीं थे। उसने वो शब्द उसने अपनी मतलब नम्रता की माँ के पास आके कहा कि मुझे बाबू कहो। बाबू का मतलब है मुझे पिताजी कहो। और अपने बुआ और चाचा को कहता था मुझे नाना बोलो। तो नाना, बाबू ये शब्द उसने उस समय सीखे भी नहीं थे जब वो ये शब्द दोहराने के लिए उनको बोलता था। तो ये एक और प्रमाण है कि उसके नाना उसकी भाई के संतान के रूप में वापस आ गए। अब एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है, ममता। इनके यहाँ तो बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से एक घटना घटित हुई। ताऊ जी ममता के जो ताऊ जी हैं, जब वो इस दुनिया से विदा कह रहे थे तो उन्होंने अपने छोटे भाई की पत्नी से कहा कि, यानी ममता की माँ से कहा कि अब मैं तुम्हारी संतान के रूप में जन्म लूंगा। और अपनी पत्नी से उन्होंने कहा जब वो बच्चा तुम्हारे पास आकर 25 पैसे आके मांगे तो समझ जाना कि मैं वापस आ गया हूँ। और जब वो बच्चा 1.5 साल का हुआ, वाकई में जब जन्म हुआ और 1.5 साल का हुआ, उसने जाके अपनी पत्नी मतलब ममता की ताई जी के पास जाके उसे वो 25 पैसे मांगा करता था। तो ये बड़ा ही आश्चर्यजनक रूप से ये घटना पुनर्जन्म की हमारे अनुभव में आई। और ममता की ही से जुड़ी दो और छोटे अनुभव हैं। ममता की शादी हुई है और उनकी जो जेठ है उनके पास उनकी दादी वापस आई है उनकी बेटी के रूप में। और ये उन्होंने स्वप्न में जब जन्म होने वाला था उनकी दादी का,
तो उन्होंने उसको स्वप्न में कहा कि मैं वापस आने वाली हूँ, और जब वो जन्म हुआ शक्ल सूरत में हुबहू वही थी दादी जैसी। और ममता के नाना ने भी अपनी बेटी के पास जन्म लिया, उनकी मौसी के बेटे के रूप में जन्म लिया, और वो भी स्वप्न में आकर उन्होंने बताया था कि मैं तुम्हारे पास वापस आ रहा हूँ। अब एक और अगला अनुभव है, ये मेरे घर में जो कुक काम करती हैं, खाना बनाती हैं, उनका नाम मैं एक्चुअल नाम नहीं बता रही हूँ, दुर्गा। दुर्गा की ननंद से बहुत अच्छी दोस्ती थी, वो दोनों सहेली की तरह रहती थी। और शादी के समय ननद के घर में कोई शादी का फंक्शन था, उस समय अचानक उनकी ननद की तबीयत खराब रहने लगी और सर्दी जुकाम सा हुआ, शरीर पे दाने उभर आए, आंखें लाल हो गई। जब ज्यादा तबीयत खराब हुई तो उनको अस्पताल ले जाया जा रहा था, रास्ते में रेलवे फाटक बंद हो गया और अस्पताल पहुंचने के पहले उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के 2 माह बाद दुर्गा गर्भवती हुई, और उन्हें सपने में आता था कि ननद उनका पेट पकड़ रही है और वो डर सी रही हैं। फिर जब दुर्गा ने बेटी को जन्म दिया तो उस बच्ची के शरीर में भी बिल्कुल वैसे ही दाने थे और लाल आंखें भी उसी तरह लाल थी जैसे ननद की मृत्यु के समय थी। और आज भी उनकी उस बेटी की शक्ल पूरी तरह हूबहू ननद के समान है। दुर्गा की ही घर में एक और घटना ऐसी घटित हुई, उसकी चाची का जन्म उसके छोटे भाई के रूप में हुआ है। वो बताती है कि दुर्गा ने बताया कि शक्ल और सूरत में उनके भाई की शक्ल जो है वो चाची की तरह है, वो बिल्कुल चाची के जैसा दिखता है, जबकि जैविक रूप से ये संभव नहीं है क्योंकि चाची का कोई अपनी इस भाई से कोई खून का रिश्ता नहीं। फिर जब दुर्गा के भाई का नामकरण किया गया तो नाम भी उसका वही निकला जो उसकी लगभग मिलती जुलती चाची का नाम था, यानी चाची का नाम गणेशिया और जब बच्चे का नाम निकला तो वो गणेश। एक और अनुभव है, ये मेरे ड्राइवर भैया के यहाँ का है। उनकी माँ की मृत्यु कैंसर से 48 वर्ष की आयु में हो गई थी। उनकी माँ के शरीर में एक बहुत बड़ा बर्थ मार्क था, और माँ के गुजर जाने के कुछ वर्षों के बाद उनको एक पुत्र संतान हुआ जिसके शरीर में बिल्कुल वहीं पर वैसा ही बर्थ मार्क है जैसा उनकी माँ के इसमें था। तो ड्राइवर भैया और उनके घर वाले थोड़ा सा उनको अपने बेटे को मम्मी मम्मी कहकर मजे भी लेते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पुनर्जन्म के अनुभव हैं, सत्य अनुभव हैं, और उम्मीद है कि इन अनुभवों से आप लोगों जो चिंतित हैं अपने प्रियजनों के लिए वो इस चीज को समझ जाएं कि ये हमारे आसपास ही रहते हैं, हमारे आसपास ही वापस आते हैं। और उम्मीद है कि आपको इन कहानियों इन सच्चे अनुभवों से कुछ राहत मिली होगी। धन्यवाद। मेरे एक और अनुभव साझा करना चाहूंगी। मेरे घर की जो हाउस हेल्पर हैं, काम करती हैं, उनका मैंने नाम यहाँ पे बताया, एक्चुअल नाम नहीं बता रही हूँ, उनका नाम जमुना मैंने यहाँ पे रखा है। और उनके पति ने 2005 में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, और 14 वर्ष बीतने के बाद, उनकी मृत्यु के 14 वर्ष बीतने के बाद वो अपने भतीजे को सपने में आकर उन्होंने कहा कि वो उनके संतान के रूप में वापस आ रहे हैं। और इतने 14 वर्षों तक उन्होंने, और भी उनके यहाँ भतीजियां हैं और उन्होंने उनके यहाँ भी संतानें हुई भतीजों के, लेकिन शायद वो अपने ही कुल में वापस आना चाहते थे, इसलिए 14 वर्ष बाद जब उनके कुल में पहली संतान हुई तब उस भतीजे के संतान के रूप में उन्होंने जन्म लिया है। ये पिछले साल उनका जन्म हुआ है। और जमुना ने बताया कि उनके जो पति थे, जो जिन्होंने आत्महत्या की, उनके साथ भी एक इंसिडेंस जुड़ा हुआ है पुनर्जन्म का, कि उनका जो बेटा है जमुना का, यानी जमुना का बेटा उनके पति के नाना है एक्चुअल में। वो उन्होंने बताया कि नाना से इनके पति का बहुत ज्यादा प्रेम था, बहुत ज्यादा लगाव था। तो नाना जी की मृत्यु के वर्ष भर बाद जमुनी जब गर्भवती हुई तो
उनके पति को स्वप्न में उनके नाना जी ने आके कहा था कि अब मैं तुम्हारा बेटा बन के वापस आ रहा हूँ, और इनके बेटे की भी जो सूरत है वो बहुत रिजेंबल करती है, मिलती जुलती है उसके मतलब नाना जी से, उनके पिताजी के नाना जी से। तो ये भी एक सत्य घटना है पुनर्जन्म की मेरे से जुड़े हुए लोगों की। धन्यवाद। अगर आप मैनी लाइफ मैनी मास्टर की सीरीज में कैथरीन के सत्य अनुभवों को जानना चाहते हैं तो कृपया मेरे दूसरे चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर विजिट कीजिए, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट दोनों में दिया है।